बड़े नाम शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम, ये दो नाम जिसके लिए अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान चल रही है, दबिश चल रही है। इन सब के बीच यूपीएसटीएफ की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द गिरफ्तार होगी शाइस्ता परवीन। अमिताभ यश का ये बड़ा बयान सामने आया, गुड्डू मुस्लिम भी ज्यादा दिन अब भाग नहीं पाएगा क्योंकि एक एक सुराग एक एक कड़ियों को जोड़कर अब जल्द ही इनके गिरफ्तार तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की है। यूपी एसटीएफ चीफ का ये आज तक पर बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अब ज्यादा दिन नहीं लगने वाले। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद भी अभी तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो पाया है। शाइस्ता कहाँ है अभी भी इसकी चर्चा चल रही है, उसकी खोज चल रही है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है इसके बारे में भी अभी तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में एनकाउंटर हुए हैं। असद गुलाम सरीखे दो लोग एनकाउंटर में मारे गए, जबकि अतीक और अशरफ को पुलिस अभिरक्षा में हमले में मार दिया गया। लेकिन कहां है आखिर, आगे इस मामले में क्या होगा? हमारे साथ अमिताभ यश हैं जो कि एडीजी हैं एसटीएफ के, स्वागत है सर आपका। ये अभी भी पूरा मामला पटाक्षेप नहीं हो पाया है, अभी भी लोग रोज जानना चाहते हैं कि आखिर शाइस्ता कहां है, कहां भाग रही है। शाइस्ता न बेटे के जनाजे में आई न पति के जनाजे में आई। आप लोग क्या इसका ट्रैक रख रहे हैं कि कहां है, अरेस्ट करने की कोशिश? जो भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल है उन सभी को गिरफ्तार करने की कोशिश चल रही है। जो शूटर्स हैं वो प्रायोरिटी हैं क्योंकि उनमें कुछ इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, और जो इस घटना में जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं जैसे शाइस्ता प्रवीण भी कॉन्स्पिरेटर की श्रेणी में है, इन सबको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उन पर 50,000 का इनाम भी जिला पुलिस ने घोषित कर दिया है, जिला पुलिस की टीमें भी इसमें काफी एक्टिव हैं। सर गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, कुछ उसका आइडिया लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है? आखिर वो ऐसा फिजिटिव हो गया है कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, कभी पता चलता है कि कर्नाटका में है, कभी पता चलता है उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे राज्य में है। इस प्रकार की जो भी खबरें मीडिया में फ्लोट हो रही हैं उनमें से लगभग सभी गलत है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये अपराधी ये गैंग इनके पास बड़ा फायर पावर और मैसिव रिसोर्सेज हैं। ये इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ये छिपने में भी करते हैं, इनके कई अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड मददगार थे, वो छिपने की जगह और पैसे मुहैया कराते हैं। जो भी ये गुड्डू मुस्लिम जैसे शूटर्स हैं ये बहुत पुराने अपराधी हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं, इनको पुलिस से फरारी काटने का तरीका आता है, और क्योंकि एक बड़े गैंग से जुड़ गए इसलिए इनको बहुत सारी और भी जानकारियां मिल गई कि किस कैसे पुलिस को अवॉइड किया जाए, कैसे एसटीएफ को अवॉइड किया जाए, और उसका ये पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एसटीएफ की काफ़ी टीमें इनके पीछे लगी हुई हैं, प्रयागराज पुलिस ने भी अपना जोर लगा रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये गिरफ्तार होगा। सर इस गुड्डू मुस्लिम में क्या है, क्योंकि तो बहुत पुराना अपराधी है, कई लोगों के लिए इसने ये शूटर रहा है, बकायदा ये जेल में रहा, इसको अतीक ने निकलवाया, ये किस तरह का अपराधी है कि अभी तक ये हाथ नहीं आ पा रहा है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये पुराना अभ्यस्त अपराधी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसको वर्ष 2000 के आसपास गोरखपुर पुलिस ने पकड़ा था, तब इसके इंटरोगेशन में जानकारी मिली थी कि ये उसके जस्ट पहले पटना बेउर जेल राजन तिवारी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने गया था। और भी कई जानकारियां इसके बारे में प्राप्त हुई, लेकिन गोरखपुर के केस में इसे 10 साल की सजा हो गई थी, और अतीक ने अपने वकीलों के माध्यम से इसकी जमानत कराई। तब से ये अतीक गैंग का बन गया और अतीक के लिए काम करने लगा। ये बमबाज है, बम फेंक बनाकर फेंकने में माहिर है, उसी से वही उसका प्राइमरी तरीका है हत्या करने का। इसके अलावा वेपन्स भी चलाने में ये माहिर है। तो कह
सबसे शातिर यही माना जाए इसको, या सबसे एक्सपीरियंस माना जाए कि बाकी सब तो हत्थे चढ़ गए लेकिन ये लगातार लोकेशन बदल रहा है, कैसे ऐसी स्थिति में है कि मतलब इस सर्वेलांस के समय में भी ये भागा फिर? ये अपराधी हर प्रकार के पुलिस के ट्रैकिंग को, चाहे वो ह्यूमन इंट बेस्ड हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, उसको इवेड करने में माहिर हैं। इसी कारण ये सरवाइव कर रहे हैं। और जो इसका तौर तरीका है, उससे ये जो अभी तक जानकारियां मिली हैं उससे ये लगभग क्लियर है कि ये इसको फरारी काटना, जो कोलोकियल भाषा है, इनको फरारी काटना बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन एसटीएफ भी प्रयास कर रही है, जिला पुलिस भी प्रयास कर रही है, और उम्मीद है कि जल्दी ही गिरफ्त में होगा। सर एक चीज और था जो कि बहुत जिसकी चर्चा हुई, वो ये कि जब अशरफ को गोली लगी उसके पहले उसने इसका नाम लिया था, मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम, क्या वो आपको, आप लोग तो चूंकि आप लोग लगातार ऑपरेशंस करते रहे हैं, देखते रहे हैं, उसके कहने का आशय क्या है? क्या वो किसी तरह के ये कहना चाह रहा था कि उसने दगा किया, या फिर ऐसा लग रहा था कि वो मुखबिर हुआ? कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ रहस्य, कुछ राज है? नहीं, उस क्या कहना चाह रहा था इसके बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियोस मैंने भी देखे हैं उसके मुखबिर होने की बात तो बिल्कुल ही सही नहीं है।